पैसे उठा के कभी भी निकाल देते हैं, कभी रख देते हैं। हाँ, देखिए हम यही कहना चाहते हैं कि पुलिस का काम है पुलिस की तरह कार्रवाई करना, गुंडागर्दी करना पुलिस का काम नहीं है। ठीक है, ये तो हमारे साथ गुंडागर्दी कर रहे हैं, हम वही कोरोना वॉरियर हैं। पहले सुनो, एम्बुलेंस का रास्ता आप रोक रहे हो बीच में, ये आप साइड पे बैठ के करो, हम कुछ नहीं बोल रहे। हॉस्पिटल की आपने सड़क ब्लॉक करी, वो प्रॉब्लम है, आप बैठे हैं, आप बैठे यहाँ बैठे आज वहाँ बैठे जी, यहाँ पीछे आप अभी बैठे हैं। मैम ये तीसरी बार देख रहा हूँ मैं आपका प्रोटेस्ट, आप बैठे, मेरे को पूरा पता है, आप बैठे, आप अभी बैठे, सड़क ब्लॉक मत करें, हॉस्पिटल की सड़क हम ब्लॉक नहीं होने देंगे, इमरजेंसी रोड है वो, इमरजेंसी रोड तो पेशेंट है। सर जब तक हम लोग ब्लॉक नहीं करेंगे उन लोगों को तकलीफ, तो जो कोई क्रिटिकल समझाए ना, ये तरीका नहीं है, एम्बुलेंस का रास्ता ब्लॉक करके आप लोग न्यूसेंस क्रिएट कर रहे हैं। सर हम खुद एम्बुलेंस के लिए रास्ता छोड़ेंगे, आपको एडमिनिस्ट्रेशन से परेशानी हो सकती है, लेकिन रोड बंद नहीं करनी, कॉमन मासेस कर रहे थे ना, बैठे हुए थे और सम बॉडीज इंस्टिगेटिंग यू। बात सुनिए, आज तक हमारे बुखार तक ठीक नहीं हो रहे हैं। यार जो लेके इन्होंने आप ऐसे साफ से योगी किए, हम जैसी लड़कियों के साथ इनके घर में भी हैं, इनके घर में भी माँ बहन है, हम लोग इनके छोटे बच्चों की तरह, इनकी बहनों की तरह, लेकिन इन्होंने हमारे पे लाठी चार्ज करने का किया, इन्होंने हमारे पे, हमें अपना हक चाहिए और हमें कुछ नहीं चाहिए। सर जो हमारा बंदा लेके गए हैं, हम चाहते हैं कि उनको बाहर छोड़ा जाए, ठीक है, जिनको पुलिस पकड़ के लेके गए इनको बोलो उनको बाहर छोड़ा जाए, साहिल लंगर जी को बाहर लाया जाए, डंडे बरसाते हैं, मतलब हमारे लिए तालियां बजाते हैं जब जरूरत होती है, और जब जरूरत नहीं होती फिर हमको सड़क पे बजा डंडे, यही इनका इंसाफ सर के, जो हम समझे उन्होंने बड़े बड़े वादे किए थे, जो बड़े बड़े वादे चले जाते हैं वो बेशर्म आदमी है, उसको ही पढ़ने चाहिए डंडे, जो हमारे साथ इतनी सभी बच्चों के साथ जो उसने खिलवाड़ किया, क्यों प्रशासन दिया था झूठा, उसी टाइम हमें बोलना था टर्मिनेट कर दो इनको, सर को बोला कुर्सी छोड़ो, बीजेपी को कुर्सी छोड़ो, कुर्सी के लायक नहीं हो आप लोग, बीजेपी को कोई वोट नहीं,